नमस्कार सत श्रीकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में पहुंचा हूं ये है सिद्रा का एरिया तभी विहार कॉलोनी में। हम पर्टिकुलर इसमें पहुंचे हुए हैं और आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशियस फ्लैट 4 BHK का, जिसका टोटल जो कारपेट एरिया है वो है 2300 स्क्वेयर फुट का, 2350 स्क्वेयर फुट का जो फ्लैट है, बहुत स्पेशियस, बहुत बड़ी लॉबी के साथ और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ मॉड्यूलर किचन के साथ। और अब हम आपको प्राइस का भी इसकी जो है बता देते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम आपको ये दे रहे हैं। 1,35,00,000 में आपको 2350 स्क्वेयर फुट का जो है 4 BHK का फ्लैट मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सबसे पहले हम आपको इनसाइड में ले जाने से पहले आपको यहाँ पे लश ग्रीन, यहाँ पे सारे जो हैं ग्रीन जोन दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा आपको चारों तरफ इस बिल्डिंग के आपको यहाँ पे जो है लॉन मिलेंगे, सिटिंग एरिया है, बहुत अच्छे ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं। ये सामने बिल्डिंग है जो जिसमें फ्लैट बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज्ड है, वेल मैनेज्ड है। यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन और पोल्यूशन फ्री एरिया में ये जो फ्लैट बने हुए हैं सिद्रा जो है सभी दिखा रहे हैं। इसमें पहले हम आउटर सारा आपको दिखा रहे हैं, गार्डन का एरिया, लॉन का एरिया और आपको ट्रीज वगैरह यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कवर्ड पार्किंग भी आपको मिल रही है। आप चाहें तो कवर्ड पार्किंग यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ओपन पार्किंग यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और एज़ पर द कंडीशन ऑफ द वेदर। और अब एक साइड से हमने आपको पूरा जो है लॉन का एरिया दिखा दिया और अब दूसरी साइड से हम आपको जो है लॉन दिखाते हैं। चारों तरफ आपको लॉन ही लॉन नज़र आएगा और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं आसपास में इस बिल्डिंग के। पोल्यूशन फ्री कूल ब्रीज जहाँ पे चलती रहती है, गर्मियों में बहुत ही आपको मज़ा आएगा और सर्दियों में ये ओपन एरिया जो है जहाँ पे आप बैठ के धूप का मजा ले सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप इस बिल्डिंग में, ये हम आपको इस समय शो कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसी में लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है साइड के एरिया में। सबसे पहले हमें मिलती है एक इतनी बड़ी स्पेशियस लॉबी जहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है। एंटर करते ही हमें लेफ्ट साइड पे अमेरिकन स्टाइल में, ओपन स्टाइल में हमें किचन मिल जाएगी पूरी की पूरी। प्रॉपर हर एक चीज सेटअप यहाँ पे है, ऑलरेडी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन। और इसके बाद अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज मॉड्यूलर किचन पूरी की पूरी डिजाइन की है, बर्तन वगैरह सब कुछ लगे हैं अच्छे से। और किचन एरिया दिखाने के बाद साथ में हमें यहाँ पे इस साइड विंडो का पोर्शन मिल जाता है पूरा पूरा, बाहर बिल्कुल बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से हमें देखने को मिलता है। किचन से निकलते ही हमें आरओ वगैरह और सब कुछ, सिंक का एरिया सब कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ वेल मैनेज तरीके से लगी हुई है। उसके बाद किचन का एरिया दिखाने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और किचन के साथ ही जो हमें एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है हमें बालकनी का। ये बैक साइड की बालकनी है और व्यू देखिए बिल्कुल फॉरेस्ट व्यू है यहाँ पे, प्रॉपर सीनिक व्यू है और बहुत ही नेचुरल एकदम एम्बियंस है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एरिया है। और यहाँ पे शाम के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। पूरा का पूरा टाइल्ड फ्लोर है यहाँ पे बालकनी एरिया में, काफ़ी अच्छे साइज की बालकनी है। आप यहाँ पे स्विमिंग पूल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे चेयर्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपको आपकी जैसी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फर्नीचर लगा सकते हैं और यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम बालकनी एरिया से निकलते ही जो सबसे पहला आपको रूम दिखाने वाले हैं वो हमारा एंटर करते ही राइट साइड पे रूम आएगा। ये हमारा फर्स्ट रूम है, बहुत ही अच्छी स्पेस है यहाँ पे, प्रॉपरली रूम साइज काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, कलर कॉम्बिनेशन भी दीवारों पे बहुत अच्छा है और बड़ी डिसेंट साइज़ का एक स्टोरेज स्पेस भी हमें मिलता है, पूरी की पूरी अलमीरा यहाँ पे बनाई है। और उसके साथ ही हमें जो अटैच वॉशरूम इसके साथ मिल रहा है जहाँ पे इंग्लिश सीट लगी हुई है प्रॉपरली और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे इसके साथ, अटैच वॉशरूम के साथ। फर्स्ट रूम दिखाने के बाद हम चलते हैं सेकंड रूम में। लॉबी साइज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी स्पेशियस लॉबी है। और इसके बाद हम सेकंड रूम भी बहुत डिसेंट साइज का है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टोरेज स्पेसेस यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिट पर पूरी की पूरी अलमीरा जो है लगी हुई है, पूरी दीवार तक अलमीरा है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। प्रॉपरली हर एक चीज़ यहाँ वेल मैनेज्ड है। उसके साथ साथ यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, पिंक कलर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे हर एक चीज़ लगी है। और हमारा कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम में भी सेम जो वॉशरूम का प्लान है वो हर जगह सेम है, एक साइज़ के वॉशरूम्स हैं यहाँ पे
और उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूम में। थर्ड रूम भी बहुत डिसेंट साइज़ का है और काफ़ी अच्छे स्पेसेस यहाँ पे बने हैं, सेम स्टोरेज स्पेसेस जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे सेकंड रूम में, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेसेस देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ हमें इस साइड में लॉन्ड्री एरिया मिलता है जहाँ पे कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ लगी हुई है और प्रॉपरली यहाँ हर एक चीज़ बनी हुई है। फोर्थ रूम में एंटर करते ही हम देखते हैं काफ़ी अच्छी लाइटिंग और काफ़ी अच्छा यहाँ पे पूरी की पूरी डेलाइट जो है यहाँ पे अंदर आ रही है और डिसेंट साइज का रूम है, सेम कारपेटिंग वगैरह लगी हुई है फ्लोर पे और साथ में यहाँ पे सेम स्टोरेज स्पेसेस मिल रहे हैं जैसे हमें बाकी जगह बाकी रूम्स में भी देखने को मिलते हैं। प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज काफ़ी अच्छी है और उसके साथ ही ऑलरेडी एक स्टोर मिलता है, छोटे साइज का स्टोर है यहाँ पे, सारी की सारी आपकी जो भी मैट्रेसेस हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से निकलने के बाद हमें इसके वॉशरूम जो है उसका सेम साइज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ही सबसे पहले हमें सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है वो है इतनी बड़ी स्पेशियस लॉबी, 2350 का स्क्वायर फिट एरिया हमें मिलता है इस फ्लैट में। हमने आपको पूरा फ्लैट जो है इंसाइड से टूर करवा दिया है। एरिया के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 2350 स्क्वायर फुट का टोटल जो है एरिया आपको मिल रहा है और चार बाथरूम मिल रहे हैं, चार बेडरूम्स मिल रहे हैं, स्पेशियस लॉबी मिल रही है और साथ में हम आपको दिखा चुके हैं मॉडर्न किचन यहाँ पे बनी हुई है और बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है। और इसकी प्राइस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 1,35,00,000 में आपको ये पूरा जो स्पेशियस फ्लैट हमने दिखाया है वो मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि आप हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, हो सकता है किसी न किसी को ऐसे ही स्पेशियस जो फ्लैट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी सिद्रा के एरिया में। तो आज हम आपको ये, धन्यवाद, शुक्रिया।